नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्डिगन के लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बना लेंगे या स्लिप कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर 6 फंदे सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और फिर 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और लास्ट फंदा सीधा, बैक साइड से सभी फंदे उल्टे। थर्ड रो और फ्रंट साइड 2 फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर इस जाली के दोनों तरफ हमें जाली डालना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा है जिस स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक साइड से सीधा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, इसे पहले थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। 3 का यहाँ पे 1 कर लिया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ फंदे घटते जा रहे हैं और यहाँ फंदे बढ़ते जा रहे हैं। फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे,
उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को हमें एक करना है। तो तीनों को एक पहले थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ तीन का एक कर लिया, फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ दो फंदों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे या सीधा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है। तो थोड़ा पहले ढीला कर लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है। तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है। तो तीनों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, अब हम अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे। ये एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और अब पांच फंदे बचे हैं तो पांच फंदा सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अलेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है। तो उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो
तीन, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा बनाएंगे, फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है, लेकिन उसके पहले उन अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक करने से पहले थोड़ा ढीला कर लीजिए और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लीजिए, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है, इसके पहले हम उन अपनी ओर करेंगे यानी जाली देते हुए तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर हम इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे, इन तीन फंदों को हमें एक करना है और तीनों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे लास्ट में बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे और हमेशा की तरह रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पूरे डिजाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। फिफ्टींथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक किया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन सीधा बुनने से पहले हमें जाली देना होगा यानी उन अपनी ओर करना होगा, तो उन अपनी ओर किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर उन अपनी ओर किया, एक फंदा सीधा बुना, उन अपनी ओर किया और एक फंदा सीधा बुना, तीनों फंदों को पहले हमने जाली देते हुए सीधा बुन लिया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को अब हमें सीधा बुनना है तीन का एक करते हुए, तो जाली देते हुए तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे एक फंदा घटा है तो जाली देने से वो बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे हमने पिछली लाइन में तीन का एक किया था यानी दो फंदा घटाया था, तो अब कि हम प्रत्येक फंदे के को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, तो उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा बुना, उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा, यानी हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है, लेकिन उसके पहले उन अपनी ओर कर लेंगे यानी जाली देते हुए सीधा, अब उन अपनी ओर करना है, इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है और प्रत्येक फंदे के पहले हम जाली देंगे, जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा, अब दो फंदों को एक करना है, उसके पहले हम उन अपनी ओर करेंगे यानी जाली देते हुए दो फंदों को एक कर लेंगे, और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सत्रहवीं लाइन और फ्रंट साइड, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और छह फंदा सीधा, एक
दो तीन चार पाँच छः। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और छः फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे ही करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। छः फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदे को एक साथ लेंगे और चाली देते हुए लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। उन्नीसवीं लाइन और सामने से दो फंदा सीधा बुनेंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर देंगे बैक लूप से। फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, यानी जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है हमें बस स्टार्टिंग में ही ध्यान देना है यहाँ पे। तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 21वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर लेंगे और फिर उन अपनी ओर करते हुए तीन फंदा सीधा। डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा, स्टार्टिंग में बस ध्यान देना होगा वरना फंदे गड़बड़ हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। बस हमको स्टार्टिंग में इसे बैलेंस करना होगा। डिज़ाइन 16 लाइन का ही है और इन्हें ही दोहराना है, बस स्टार्टिंग में हमको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे। डिज़ाइन आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे, यानी यहाँ हमारा जाली कंटिन्यू हो जाएगा। और पिछली लाइन में यहाँ पे हमने चूँकि दो ही फंदे थे तो दो का एक किया था, तो यहाँ पे एक जाली बनेगा। यहाँ पे फिर तीन का एक करेंगे, यानी एक फंदा दो फंदा घटेगा, तो एक जाली यहाँ बनाएंगे तो एक जाली कंप्लीट हो जा रहा है और दूसरी जाली इस साइड में बनाएंगे, जैसा ये पैटर्न चल रहा है वैसा। यहाँ पे तीन का एक किया था, यानी कि प्रत्येक फंदे के पहले हमें जाली बनाना होगा। तो डिज़ाइन स्पष्ट हो गया होगा, थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में ध्यान देना होगा। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। इसे बनाने के पहले आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।